अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैम शहर बनो, आप मेरा चैनल देख रहे हैं किचन विद शहर बनो। आज मैं बना रहे जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। इसके लिए हमें ये वेजिटेबल चाहिए, मटर, गाजर, बंद गोभी। अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल है वो भी डाल सकते हैं। ये है चिकन, मैंने इसका क्यूब में काट लिया है। ये है 2 चम्मच दही के, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ये गरम मसाला और थोड़ा सा जायफल का पाउडर है, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ये है कुछ धनिया, ये सोया सॉस, चिली सॉस और ये है सिरका, और ये हमारा है 1 पैकेट मैक्रोनी का। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसके अंदर मैं 2-3 चम्मच ऑयल का डाल देती हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें हम डाल देते हैं चिकन, इसको थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं और इसके साथ ही डाल देते हैं नमक। इसको थोड़ी देर भूनना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। या देखो पानी अब ड्राई हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी वेजिटेबल्स। हम अपने वेजिटेबल सारे डाल देते हैं। जी बंद गोभी डाल दिया सारी। वेजिटेबल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैं इसमें अपने बाकी के जो मसाले हैं वो डाल देती हूँ। सुरख मिर्च डाल दें, जीरा डाल दिया। इसके बाद अब मैं डाल देती हूँ खुश्क धनिया। जी हमने अपना खुश्क धनिया डाल दिया है और जो है गरम मसाला। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स का हो गया जी, अब इसको ढक्कन लगा कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम अब इधर अपने दूसरी साइड पर मकरोनी बॉयल कर देते हैं। इसके लिए पानी में 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और जो साथ 2 चम्मच ऑयल को डाल रही हूँ ताकि ये जो मकरोनी है वो आपस में जुड़े ना। ये जब पानी गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम अपनी मकरोनी डाल देंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं मकरोनी। मकरोनी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे गलने के लिए। हमारी सब्जियों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, इसमें डाल देते हैं दही। ये दही डाल दिया और साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, ये सिरका डाल दिया और साथ ही हम डाल देते हैं चिली सॉस। ये चिली सॉस डाल दिया, तीनों चीज़ों के 1-1 चम्मच इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसका पानी ड्राई कर लेंगे। मकरोनी हमारी गल चुकी है, इसका हम पानी अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें मकरोनी डाल दूँगी जो हमने बॉईल की हुई है। ये मकरोनी डाल दी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। ये 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। नाउ आवर रेसिपी इज रेडी टू ईट। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी दुआ में अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।